हे गाइस, माय नेम इज़ विक्रम प्रताप सिंह एंड वेलकम टू एचपी एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर का, अपने सेवंथ लेक्चर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और पहली चीज कि जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, वो लास्ट के पार्ट हैं जहां प्रूफ हमने डिस्कस किया था, एग्जामिनेशन हमने स्टार्ट करा दिया था आपसे, ठीक है। आज जो हमें कराना है वो ये है कि जो रेस्ट ऑफ दी प्रोविजंस हैं उनको हम आपसे जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, और फिर मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा पूरा होल एविडेंस का जो कि हमने आपसे कराए हैं लास्ट के लेक्चर्स में, इन सात लेक्चर्स में, ठीक है। तो तैयार हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, जहाँ कल की क्लास लास्ट एंड हुई थी वो क्या थी? एग्जामिनेशन, सेक्शन 137 ऑफ एक्ट क्या कहता है? एग्जामिनेशंस की बात करता है। पहली चीज है उसमें एग्जामिनेशन इन चीफ की बात करता है। एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है कि जब जो भी पार्टी किसी विटनेस को बुलाता है वही उसको एग्जामिन करता है कि क्या क्या प्रश्न उससे वो जानना चाहता है, ठीक है। ये पहला फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है। मैंने किसी विटनेस को बुलाया, मैं उसको एग्जामिन करूंगा, ठीक है। अब सपोज कि इस एग्जामिनेशन में इतने पॉइंट्स हुए, इतने पॉइंट उसने क्या किए? डिस्कस किए 1 2 3 पे, ठीक, ऐसे ही। अब इस एग्जामिनेशन का ये जो पॉइंट्स आए हुए हैं, इन पॉइंट्स पे दूसरी पार्टी क्या करती है? क्रॉस एग्जामिन करती है, क्रॉस एग्जामिन करेगी। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होगा? इन क्वेश्चंस पे क्या करेंगे? एक सवाल पूछेंगे। इन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या उस पर क्रॉस एग्जामिन करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पर एक क्वेश्चन पूछते रहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा? सपोज कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं, इन सब में तो क्वेश्चन बन गए, इनको एग्जामिन कर लिया, ठीक है। अब इनको एग्जामिन करने के बाद क्या हुआ? इसी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन गए। क्या हुए? कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन गए। मान लो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गए, इसमें 2 पॉइंट और। अब इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को फिर से क्या होगा? इन 2 पॉइंट्स का री एग्जामिनेशन होगा। इसका री एग्जामिनेशन कौन करेगा? ये भाई साहब करेंगे, ठीक है। जो पहला ये जो एग्जामिनेशन कर रहे थे, ये इसका री एग्जामिनेशन करेंगे। और जब री एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा? इस वाली बात की बात हो रही है कि री एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या होगा? इसका फिर से भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, किया जाएगा। ये जो नए फैक्ट्स 2 थे, इनका ऑपोजिट पार्टी क्या करेगी? क्रॉस एग्जामिन करेगी इस चीज को। इतना आपको समझ में आ गया? तो ये तो बात हो गई आपके एग्जामिनेशंस की, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं इसी के सीक्वेंस की भी बात। ये तो 137 जो है वो बात करता है इनकी एग्जामिनेशन को डिफाइन करने की। 138 जो है, इसी के साथ ही पढ़ते हैं, वो इनके सीक्वेंस की बात करता है कि सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन होगा, और री हो गया है, कुछ नए पॉइंट आए हैं तो उसको फिर से क्या करोगे? क्रॉस एग्जामिन करोगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये तो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, ये एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जब ये जो री एग्जामिनेशन होता है ना, री एग्जामिनेशन के केसेस में जब कभी भी आपको किसी भी मैटर को री एग्जामिन करवाना होता है, तो अगर कोई नया मैटर है तो नए मैटर में आपको विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, जैसे यहाँ कुछ एक नया मैटर आ गया, इसमें से क्या हुआ? कुछ एक नया मैटर आ गया, तो जो डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट होगा ना, वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर कोई नया मैटर नहीं है, तब तो आप विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट आप क्या कर सकते हैं? उसको एग्जामिन कर सकते हैं, जो कि रिलेटेड मैटर्स होते हैं। तो ये तो हो गया आपका 37 एंड 38, ये तो बात करता है एग्जामिनेशंस की, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसको शिफ्ट करूं हल्का सा, तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको हटाता हूं मैं। इसके बाद जो प्रोविजन आता है वो आता है कि सपोज कि आपको कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए
कोर्ट का आदेश आया, समन किया गया आपको, और आप प्रेजेंट होते हो कोर्ट में, ठीक है, और आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है, आप डॉक्यूमेंट केवल प्रोड्यूस करने के लिए प्रेजेंट होते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता एज अ विटनेस, ठीक है। फिर अगर आपको विटनेस की तरह बुलाना है तो आपको रीसमनिंग होगी, फिर उसके बाद आप एज अ विटनेस आओगे। ये तो बात करता है 139, ठीक। एक प्रोविजन है आपका 140 बात करता है कि कैरेक्टर के एविडेंस देने की बात करता है, किसके, विटनेस के। ऐसे समझो कि सपोज एक ए है, ए के बारे में बी ने कहा कि ये थोड़ा करप्ट आदमी है, ठीक है, ये आदमी अच्छा नहीं है, किसने कहा, बी ने, ठीक। तो अब ये बी का भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है, किस पर्पस के लिए, इसके करेक्टर के लिए। ये जो बी है ना, ये कौन है, यहां विटनेस, और विटनेस के करेक्टर, जबकि वो सील का साक्ष्य दे रहा, मतलब कैरेक्टर का साक्ष्य दे रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में इसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है, बी का भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है कि ऐसे तुम कैसे कह रहे हो, तुम कौन हो, उसकी लाइफ में तुम्हारी क्या पोजीशन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 139 जहाँ की डॉक्यूमेंट के लिए आपको प्रोड्यूस किया जाता है, विटनेस की तरह एग्जामिन नहीं किया जा सकता है, और 140 जहाँ की आपको एविडेंसेस की बात कर रहा है कि आपको क्या, कैरेक्टर के एविडेंसेस की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम एक प्रश्न पे आते हैं, वो बात करता है आपका 141 बात करता है लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस व्हिच आर सीम सजेस्टिव ऑफ देयर आंसर्स, जो कि अपने आप में ही उनके आंसर्स लेके रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हारे साथ, जैसे एक एक्स है, उसका एग्जामिनेशन कर रहा है कोर्ट में, हो रहा है, उससे पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है, तुम और राम रात में डकैती कर रहे थे ना, तो मतलब दोनों को ऐड करके कि वो भी और राम भी क्या कर रहे थे, डकैती कर रहे थे, तुम और राम वहाँ देखे गए थे ना उस दिन रात में, वहाँ बैठे हुए थे, तो आंसर भी उसी में है, तो इसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो लीडिंग क्वेश्चन कहाँ किए जाते हैं, ये 143 कहता है कि जनरल कंडीशन में, क्रॉस एग्जामिनेशन में किए जाते हैं, ये तो जनरल रूल है। और दूसरी बात कहता है कि लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं किए जा सकते हैं, उसके अलावा जनरल रूल क्या है कि लीडिंग क्वेश्चन केवल क्रॉस एग्जामिनेशन में किए जा सकते हैं, दूसरा कह रहा है कि लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं किए जा सकते, तो इसका जनरल रूल ये है कि जनरली नहीं किए जा सकते, लेकिन कब किए जा सकते हैं, जबकि ऑपोजिट पार्टी क्या करती है, ऑब्जेक्शन नहीं रेज करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो ऑब्जेक्शन रेज कर देती है देन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ऑफ द कोर्ट, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये कब की बात हो रही है, इन चीफ की बात हो रही है एंड री एग्जामिनेशन की। री एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन इन चीफ में अपोजिट पार्टी अगर ऑब्जेक्शन नहीं रेज करी तब किया जा सकता है लीडिंग क्वेश्चन, और दूसरी कंडीशन में कि अगर विद द परमिशन, ऑब्जेक्शन रेज हुआ देन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट किया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। समझ में आ गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं, आपसे डिस्कस करेंगे कई कॉन्सेप्ट जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। पहली चीज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वह है 145, फिर उसके बाद जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है 154, फिर उसके बाद जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है 155, फिर उसके बाद 146, फिर इसी के साथ 153, इतना भी हमें एक बार आपसे डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, 145।
इन्हीं के साथ ही हम एक प्रोविजन और आता है 157। इनका एक क्लस्टर है, ऐसे समझ लो, इनका एक क्लस्टर है। देखिए, ये बात करता है कॉन्ट्राडिक्शन की, कॉन्ट्राडिक्शन। दूसरी बात कर रहा है कॉरबोरेशन की, कॉरबोरेशन। देखिए, सपोज कि कोई भी एक स्टेटमेंट जो कि रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई एक रिटर्न स्टेटमेंट, 145 के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, वहां रिटर्न स्टेटमेंट की बात होती है। उस रिटर्न स्टेटमेंट को तो जनरली अगर क्या करते हैं, ऑपोजिट पार्टी उसको क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ठीक है, जो कब करती है, क्रॉस एग्जामिनेशन में। लेकिन अगर ऐसे सपोज कि एक कोई स्टेटमेंट, इसने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, इसने ए ने कोर्ट में दिया था, कोई ए है जिसने कि कोर्ट में एक रिटर्न एविडेंस दिया था, रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया था, अब जब उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो क्रॉस एग्जामिनेशन में इसका क्रॉस एग्जामिन तो किया जा सकता है, ठीक है। क्रॉस एग्जामिन क्या किया जा सकता है, जनरली किया जा सकता है 145 में, ठीक है। और दूसरी बात कर रहा है कि अगर वो क्रॉस एग्जामिन करके कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहा है, मतलब इस क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन करना चाह रहा है किस चीज का, इस प्रीवियस स्टेटमेंट का, तब उसको क्या करना है, इसको कंपल्सरली इसको शो करना होगा इस डॉक्यूमेंट को, मतलब इस डॉक्यूमेंट के, शो द डॉक्यूमेंट, शो द डॉक्यूमेंट किसको, ऑपोजिट पार्टी के, जिसके स्टेटमेंट को आप कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। ये तो बात कर रहा है आपका 145, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं 157 पे। 157 क्या कहता है, ऐसे देखो कि सपोज किसी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट उसका प्रीवियसली रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, अब जब एग्जामिनेशन हो रहा है उसका, तो उसने कोई और एक स्टेटमेंट दिया, अगर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रैशनल रीजनिंग रखते हैं, एक रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड कॉरबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस, दिस इज कॉल्ड कॉरबोरेशन ऑफ द फैक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉरबोरेशन ऑफ एविडेंसेस। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, कॉरबोरेशन की अपनी रेलिवेंस है। जब कभी भी जज कोर्ट, जब कभी भी कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चलती है, तो हर प्रोसीडिंग का, हर एविडेंस का दूसरे कोई एविडेंस से एक रीजनेबल नेक्सस ढूंढा जाता है, एक रिलेशन ढूंढा जाता है, और अगर वो एविडेंस दूसरे एविडेंस को कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो कॉरबोरेट कर रहा है। और जब किसी चीज को, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को कॉरबोरेट कर रहा है, देन वो सिविल मैटर्स में उसको क्या कहते हैं, प्रिपोंडरेंस ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज मैटर प्रूव हो रहा है। दूसरे अगर क्रिमिनल मैटर है तो कहते हैं बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट ये मैटर क्या हो रहे हैं, प्रूव हो रहे हैं। तो ये है प्रोसेस, ठीक है, कि कॉरबोरेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, किस चीज के लिए, फैक्ट्स के बीच में फैक्ट्स का, एविडेंसेस के बीच में एविडेंसेस का, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन, ये हो गया आपका कॉरबोरेशन 157 में। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन को ही आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सपोज कि एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है, ए कोई विटनेस है, ए कोई पार्टी है, ए ने पहला अपना विटनेस उतारा बी के नाम से, ठीक है, बी को वो एग्जामिन इन चीफ कर रहा है, एग्जामिनेशन इन चीफ कर रहा है, और वो एग्जामिनेशन इन चीफ में आता है और प्रेजेंट होके कहता है ए के खिलाफ ही एविडेंस देना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं पक्षद्रोही साक्षी, हिंदी में कहते हैं पक्षद्रोही साक्षी। तो ये क्या करता है, ए के अगेंस्ट में ही ये एविडेंस देना शुरू कर देता है, और जब एविडेंस ए के अगेंस्ट में होगा तब ऐसी कंडीशन में माना जाएगा क्या, कि उसको क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। लेकिन अब यही क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो हॉस्टाइल विटनेस है, इनके एविडेंसेस को, इनके साक्ष्यों को क्या आउटराइटली कोर्ट डिस्कार्ड कर देगी, उसकी अनवर्दीनेस ऑफ द क्रेडिट जो है, उसकी जो कैरेक्टर है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी को कोर्ट पर से प्रज्यूम करके चल लेगी, तो नहीं। कई केसेस में कोर्ट ने कहा कि ये जो हॉस्टाइल विटनेस की जो टेस्टिमनी है,
these cannot be outrightly discarded. Rather, court will take it into consideration whenever court is deciding the material facts. जब कभी भी कोई भी material fact है, उनके बीच में कोई connection बनाना है, तो ऐसी condition में court क्या करेगा? उन matters को साथ में रख के एक indication के तौर पे use कर सकता है, but outrightly discard नहीं करेगा इनके evidences को, hostile witness के. Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने जिसने बुलाया उसके ही खिलाफ इसने एविडेंस देना शुरू कर दिया, तो इसको क्या माना जाएगा? क्यों, कौन है ये? ये इसे बोलेंगे पक्षद्रोही साक्षी. नाम से ही पता चल रहा है कि हॉस्टाइल विटनेस. ठीक है, हॉस्टाइल विटनेस. ये हो गया 54. अब हम आते हैं 55 पे. 55 क्या कहता है? 55 कहता है कि कब किसी भी विटनेस को, किसी भी विटनेस की करैक्टर को कब उसके अनवर्दी किया जा सकता है. ठीक है, कब उसके करैक्टर के खिलाफ एविडेंसेस दे सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं 155 क्या कहता है. कि पहली चीज जो बोलता है 155 कि कोई विटनेस जो कि अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, दूसरी पार्टी प्रूव करेगी इस बात को, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है. दूसरी, या तो उसने कोई ब्राइब ले रखा है या किसी करप्ट प्रैक्टिस में वो इन्वॉल्व है. और इसके बाद अगर सपोज कि उसने कोई प्रीवियस स्टेटमेंट दिया है और उस प्रीवियस स्टेटमेंट का अब के स्टेटमेंट से क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में ये कहा जाता है कि ये जो विटनेस है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है. ठीक है, तो अनवर्दीनेस ऑफ द क्रेडिट को क्या करता है, कोर्ट इसको एग्जामिन किया जाता है, कोर्ट में इसका एग्जामिनेशन किया जाता है. ठीक है, जो प्रोविजन 145 है, 145 के लिए रिटन ही होना चाहिए, मतलब कोई भी मटेरियल जो है वो रिटन ही होना चाहिए कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होने के लिए. लेकिन 155 में ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. कोई भी टेस्टिमनी किसी भी विटनेस की, उसकी क्रेडिबिलिटी को यहाँ क्या किया जा सकता है, डिनाई किया जा सकता है, उसकी क्रेडिबिलिटी को उछाला जा सकता है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. ठीक है, एक सेकंड. ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, इसके 155 हो गया. अब आते हैं कि ये तो जनरल रूल्स हैं. ठीक है, यहाँ कॉरोबरेशन की बात हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो रही है, यहाँ हॉस्टाइल विटनेस की बात हो रही है, ये सारे एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों में, ये आप जान लीजिएगा. फिर 155 आ गया, अभी इस बार मेंस में पूछा था, मध्य प्रदेश के मेंस में पूछा हुआ था. 155 से डायरेक्ट क्वेश्चन, वहाँ का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. ठीक है, अब आते हैं 146 क्या कहता है कि कौन कौन से क्या क्या एविडेंसेस लिए जा सकते हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं. तो पहली चीज, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि वेरासिटी की बात होती है, कि जहां कि उसकी क्रेडिबिलिटी की बात. 146 क्या कहता है, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या कहता है. कि जब कभी भी कोई भी प्रोसीडिंग रन कर रही है, तो इस प्रोसीडिंग के दौरान कि क्वेश्चंस कौन से लॉफुल होंगे, कौन से क्वेश्चंस जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे लॉफुल होंगे, इस चीज की बात कर रहा है. ठीक है, तो वो पहला जो क्वेश्चन वो रेज किया जा सकता है वो क्या है, टेस्ट ऑफ वेरासिटी, मतलब सत्यता की बात. वो सत्यता का टेस्ट जो है उसको किया जा सकता है, कोर्ट में पूछा जा सकता है. ठीक है, सत्यता का प्रश्न क्या है, कि आप कुछ कोर्ट क्या प्रश्न करेगा, कि आप कैसे इंसान हो, आपका रिलेशन क्या है, इस मैटर में आप किस तरह से कनेक्टेड हो, यही तरह के क्वेश्चन पूछेगा. फिर पूछेगा कि आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो, आपकी सत्यता को हम कैसे एग्जामिन करें. ठीक है, तो लेकिन इसका जो एक एग्जाम, एक जो क्या कहते हैं, एक जनरल सा रूल है, कि सपोज कि मुझसे कोर्ट ने कुछ पूछा, मैंने अपनी सत्यवादिता को कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया, मैंने कहा कि नहीं, मैं सच्चा आदमी हूँ, इस सोसाइटी का, इस मोहल्ले का अच्छा आदमी हूँ, और इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी बातें सही हैं. ठीक, लेकिन अब देखिए, वो सत्यवादिता जो है उसकी,
इस सत्यवादिता का एक्सक्लूजन दिया हुआ है, ऐसे एविडेंसेस का एक्सक्लूजन दिया हुआ है जो कि 153 में है। मतलब हमने अगर कोई भी एक स्टेटमेंट दिया जो कि मैं अपनी वेरासिटी के बारे में बोल रहा हूँ, अपने फैक्ट्स की वेरासिटी के बारे में बोल रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में उस फैक्ट को जो मैं दे रहा हूँ, उस स्टेटमेंट को जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, एड्यूस कर रहा हूँ कोर्ट के सामने, उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं दिया जा सकता है उसको डिसप्रूव करने के लिए। अगर ऐसा दिया जा सकता है तो वो इनएडमिसिबल है, रेलिवेंट हो सकता है लेकिन इनएडमिसिबल है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, लेकिन दो कंडीशंस हैं जहाँ की नहीं दिया जा सकता। एक कंडीशन वो कि इनके 153 के ही एक्सेप्शंस हैं दोनों, एक्सेप्शन नंबर 1 और 2। पहला एक्सेप्शन कहता है कि जहां क्रेडिबिलिटी, जहां किसकी बात हो रही है कि अगर पहले कभी कोई कन्विक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रीवियस कन्विक्शन की अगर कहीं बात हो रही है, तो अगर कहीं लिखा हुआ है कि प्रीवियसली वो पहले कन्विक्ट हुआ है तो इस चीज का एविडेंस दिया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है कि उसमें दिखाया जा सकता है कि इस मैटर के लिए पहले ही कहीं कन्विक्ट हो चुका है, ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन के मैटर्स में। और दूसरा जो इसका एक्सेप्शन है वो कहता है कि क्वेश्चन रिगार्डिंग द इम्पार्शियलिटी, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि उस इंडिविजुअल को कह रहा है कि तुम इम्पार्शियल पर्सन हो, मतलब न्यूट्रल पर्सन हो, और पता चला, मैं ऐसे सपोज एक कंडीशन समझिए, आपको समझ में आएगा। पहली चीज जो आपने समझी वो क्या है कि कोई प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है तो उसका भी एविडेंस दिया जा सकता है। किस पर्पस के लिए? कि ये जो स्टेटमेंट, इसकी वेरासिटी के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट दिया था, वेरासिटी के रिगार्डिंग, सत्यता के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट दिया था कि मैं सच्चा इंसान हूं, ठीक है, तुम हो। जनरल रूल क्या है कि कोई और एविडेंसेस इसको क्रॉस एग्जामिन, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए नहीं दिए जा सकते, लेकिन दो एविडेंस दिए जा सकते हैं। पहला कि प्रीवियस कन्विक्शन का, जहां क्वेश्चन ही अराइज हुआ हो कि क्या आप प्रीवियसली कन्विक्टेड हो, तो ऐसी कंडीशन में वो दे सकता है कि हाँ, इस ऑफेंस में, अपोजिट पार्टी कह सकता है कि इस ऑफेंस में आप कन्विक्टेड थे। दूसरी चीज कह रहा है कि जहां इम्पार्शियलिटी की बात हो, जहां ये कहे कि ये इंसान एक्स जो है वो इम्पार्शियल पर्सन है, एक न्यूट्रल पर्सन है, तो ऐसी कंडीशन में कोई रिलेशन, पुराना रिलेशन उसका शो किया जा सकता है उसको क्रेडिबिलिटी को ब्रीच करने के लिए, उसके डिसक्रेडिट करने के लिए उसको। इतनी बात समझ में आ गई? तो जनरल रूल क्या है कि क्वेश्चन कौन से आस्क किए जा सकते हैं कोर्ट में, पहले तो वेरासिटी के लिए, ठीक है, सत्यता को जानने के लिए, और इस सत्यता को का एक्सक्लूजन दिया हुआ है कहाँ, 153 में, जहां की कोई और नए एविडेंसेस आप नहीं दे सकते हो, ठीक। अगर एविडेंसेस नहीं दे सकते हो, इसका क्या मतलब है कि दो और कंडीशंस हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जहां की आप दे सकते हो, प्रीवियस कन्विक्शन, और ये प्री में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन है, आप उनको देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब 146 में फिर से आते हैं। 146 का जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो कहता है कि टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन दैट सेंस, उसका क्या रिलेशन है, उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ उस मैटर में, उस मतलब एक रिलेशन की बात कर रहा है। कि ऐसा तो नहीं है ना कि कोई उठा के ऐसे आदमी आ गया जिसका कि इधर भी कोई जानने वाला नहीं, पीछे से भी कोई जानने वाला नहीं, फिर भी वो आ गया, उसको प्रेजेंट कर दिया गया। तो इन चीजों को दूर करने के लिए यहाँ उस रिलेशन के बारे में कोर्ट पूछ सकता है, और तीसरी बात कर सकता है कि उसके उसकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, उसको शेक करने के लिए, उसको हिला देने के लिए, मतलब उसके ब्रीच करने के लिए कुछ एविडेंसेस अलाउ किया जा सकते हैं, और वो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी के रिगार्डिंग। तुम तो वो हो ना, ऐसी सबके मैटर्स में जाके एविडेंसेस देते रहते हो, ऐसे जाके कोर्ट में पूछ लिया कि हर मैटर में तुम तो एविडेंसेस देते रहते हो, ये कोई बात है, ठीक है, तुम तो रोज प्रेजेंट होते रहते हो, तो उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक करने के लिए भी कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जब क्वेश्चन पूछने की बात आती है ना, तो रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत है। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, अब इसको मैं हटाता हूं क्योंकि यहां काम हो चुका है इसका। देखिए, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, देखिए पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है, पहला रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 146 का ही
जो प्रोवाइजो वाला पार्ट है, प्रोवाइजो, जहां कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो, ठीक है, उसमें किसी भी महिला के कैरेक्टर के रिगार्डिंग कोई भी एविडेंसेस नहीं अलाउ किए जा सकते, ठीक है, कि महिला का प्रीवियस कैरेक्टर क्या रहा है उसके बारे में आप उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक सिंपल सा ये इसमें आप याद रखिएगा कि 2013 में अमेंड किया गया, एक अमेंडमेंट इसमें हुआ है, एक बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या नहीं पूछ सकते आप, दूसरा क्वेश्चन क्या नहीं पूछ सकते, ये लिखा हुआ है 149 कहता है कि कोई भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि रीजनेबल हो। इसमें एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन क्या है कि कोई भी रीजनेबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब वो पूछता है कि कोर्ट में ए अपियर हो और उससे पहुंचते ही पूछो अब डाकू हो, वो तो चौंक जाएगा कि कैसे ऐसे कैसे पूछ लिया। तो मैटर से कुछ रीजनेबल एक रिलेशन, एक नेक्सस क्रिएट होना चाहिए जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ऐसा मतलब अगर रीजनेबिलिटी नहीं है तो मतलब ऐसे ही कोई उड़ा उड़ा के क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते कहीं से भी। कोई फैक्ट एंड इशू किसके रिगार्डिंग है, सपोज किसी मर्डर के, ठीक है, तो मर्डर के रिगार्डिंग कोई भी मैटर उसमें चल रहा है प्रोसीडिंग में, और उसके बाद कह दो तुम दंगे भी करते हो, ठीक है, तुम वो भी पुजारी हो, तो मतलब एक इस तरह से एकदम लीक से हट के कोई क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा तो वो नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। दो दो बातें हो गई। तीसरी बात, 151 कहता है और 152 कहता है। 151 कहता है कि कोई भी स्कैंडलस क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, ठीक है, क्या कहता है कि कोई भी स्कैंडलस क्वेश्चंस नहीं आस्क किए जा सकते हैं जो कि किस पर्पस के लिए किया गया हो, इसको बोलते हैं इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस। इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, मतलब कलंकात्मक एंड तुच्छात्मक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। अगर ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्शन रेज होता है तो कोर्ट वहां मे का कनोटेशन है, मतलब वहां ये ऑब्लिगेटरी है कोर्ट के ऊपर, उसका डिस्क्रिशन है, चाहे तो अलाउ कर दे या नहीं तो नहीं। लेकिन दूसरी कंडीशन में जहां किसी के क्रेडिट या 52 में जहां इंजर करने की बात हो रही है, अन्वाय करने की बात हो रही है किसी दूसरे को, दूसरी पार्टी के करेक्टर को, किसी दूसरी पार्टी के को मतलब छेड़ने वाले ऐसे क्वेश्चन जो कि सच में हर्ट करते हों, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं जो कि फॉल करेगा 152 में। कोर्ट का यहाँ का जो प्रिजम्पशन है वो है शैल, यहाँ कंपल्सरली कोर्ट डिनाई कर देगा कि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे, लेकिन यहाँ उसके पास डिस्क्रिशन है कि आप पूछो या ना पूछो, ठीक है, अलाउ नहीं करेगा। लेकिन सपोज ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये लोग भी क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, तब क्या किया जा सकता है, तब क्या कर सकता है कोर्ट जो है वो किसी भी एडवोकेट के खिलाफ जो भी पूछ रहा है, जो भी पार्टी पूछ रहा है, उसको हाई कोर्ट में या कोई कंसर्न अथॉरिटी के सामने चैलेंज भी कर सकते हैं। वो क्या है, कहाँ दिया हुआ है, 150 में, ठीक है, रिपोर्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है, 150 में रिपोर्ट किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने जो आपसे डिस्कस कर लिया अभी तक, 146 कर लिया, 149 हो गया, 151 हो गया, 152 हो गया, आगे हमने 154 कर लिया, 155 कर लिया, 157 कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रोविजन बचते हैं ये हटा रहे हैं, आप प्लीज बेयर एक्ट पढ़ते रहिएगा अपने, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, बस आप उसको बस समझने की कोशिश करिएगा, एक आइडिया लेके फिर आप बेयर एक्ट से करिएगा, कॉन्सेप्ट यही है। प्री में हमेशा आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि किस प्रोविजन में फॉल कर रहा है, क्या मतलब है, किस रिलेशन बात कर रहा है, विद परमिशन पूछता है या विदाउट परमिशन, ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिफ्रेशिंग द मेमोरीज की बात कर रहे हैं, 159 to 161, ठीक है, ठीक। इसमें जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि रिफ्रेशिंग का मेमोरी क्या है, रिफ्रेशिंग द मेमोरी क्या है कि जब कभी भी कोई भी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है,
वो एविडेंस किसी ने पहले बहुत पहले लिख रखा हो या कुछ दिन पहले लिख रखा हो, कब? ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ऐसी कंडीशन में अब बहुत टाइम बीत गया या कुछ ऐसा हो जाता है कि जहां उसको याद नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में वो उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। किस पर्पज़ के लिए? उसको रिफ्रेश करने के लिए, मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई एक्सपर्ट है, वो ट्रीटीज़ का, प्रोफेशनल ट्रीटीज़ का जानकार है, तो अपनी रिफ्रेशिंग मेमोरी कर सकता है। किस चीज़ के लिए? ट्रीटीज़ के लिए। कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है, ठीक, जहाँ की जिसने बनाया है उसको लाया नहीं जा सकता, अब उसको लाया नहीं जा सकता लेकिन उसके बिहाफ पे कोई काम कर रहा है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को देख के एक आइडिया लेने के लिए कोर्ट क्या कर सकता है? उनको अलाउ कर सकता है कि उस डॉक्यूमेंट को देख के आप एविडेंस दे सकते हो, ऐसा उसमें कर सकता है, कोर्ट अलाउ कर सकता है, दूसरे क्लॉज में इसके दिया हुआ है। ठीक, तीसरी बात है कि सपोज कोई कॉपी बनी हुई है, पहले से कोई कॉपीज बनी हुई हैं, उन कॉपीज़ को देख के अगर कुछ रिफ्रेशिंग मेमोरी हो रही तो कॉपीज़ के थ्रू भी आप कर सकते हैं, अगर कोर्ट अलाउ कर दे तो। ठीक है, तो रिफ्रेशिंग मेमोरीज का मतलब होता है कि जब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में प्रॉपर कंसाइंस, प्रॉपर क्या कहते हैं, अवेयरनेस ना रही हो, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्यूमेंट्स को वो देख के फिर से रिफ्रेश करके उसका अकाउंट कोर्ट में दे सकता है। पर्पज है ट्रू अकाउंट देना किसी एविडेंस का। समझ में आ गया? ठीक, लेकिन अब ये एक बात देखिए कि जहां दोनों तरफ से, हमेशा जब जो भी प्रोसीजरल लॉज है ना उनमें बैलेंस आप देखोगे, हमेशा बैलेंस देखोगे, कोई एक पार्टी के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होता, कोई दूसरे पार्टी के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होता। तो इस कंडीशन में, ऐसी सर्कमस्टांसेस में जहां उसने अपने किसी डॉक्यूमेंट पे रिफ्रेशिंग द मेमोरीज करा है, मतलब अपनी मेमोरी को रिफ्रेश किया है, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑपोजिट पार्टी है 161 में, उसके पास क्या हो जाता है? राइट हो जाता है कि उसकी कॉपीज ले और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करे, उनकी कॉपीज पे क्रॉस एग्जामिन करने का राइट हो जाता है। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि 162, 163 एंड 164, 162 और 163, ठीक है, किस चीज की बात करता है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, कोर्ट में विद परमिशन या विदाउट परमिशन, नोटिस के माध्यम से, जो भी है। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए है वो है 164, एक बार उनको देख लीजिएगा, 162 एंड 163, इनको आप अपने आप से देख लीजिए। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है जो आपको समझना हो, लेकिन अब यहां कह रहा है कि 164 कह रहा है कि जब कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी नोटिस दे दी गई है और उस नोटिस के कंप्लायंस में उस इंडिविजुअल ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, और जब नहीं किया तो उसके बाद उसने क्या करा, जो ऑपोजिट पार्टी है उसने सेकेंडरी एविडेंस उसके बिहाफ पे दिया, और जब सेकेंडरी एविडेंस दे दिया गया तो अब कोई भी उसको जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट जो कि उसके पजेशन में था उसको सेकेंडरी एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। 164 यही बात करता है। समझ में आया? फिर से बताऊं, फिर से समझ लो कि एक कोई स्टेटमेंट है, एक कोई डॉक्यूमेंट यूज किया गया, ऐसे समझो, एक कोई ए है, ए के पजेशन एंड पावर में कोई एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए क्या जा चुकी है, नोटिस आ चुकी है, नोटिस गई, लेकिन ये भाई साहब लेके इसको अपियर नहीं हुए कोर्ट में, कहां, कोर्ट में लेके नहीं आते। ठीक, अब जब नहीं आते हैं तो दूसरी पार्टी जो सेकेंड पार्टी है ये क्या करेगी, अपने सेकेंडरी एविडेंस देगी और अब इस सेकेंडरी एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए ये भाई साहब इस डॉक्यूमेंट को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये है 164, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका इलस्ट्रेशन है, आप एक बार देख लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं, गिने चुने दो तीन प्रोविजन और है, उनको हम जल्दी से खत्म करते हैं, फिर हम आते हैं समरी पे। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। इसका रेफरेंस हमने कई बार आपको दिया पहले भी, 166 एंड 167, आखिरी आ गया ना। चलिए 165,
165 बात करता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि इंक्विजिटोरियल पावर ऑफ द कोर्ट की बात करता है, जहां की कोर्ट किसी भी स्टेटस पे जाके कोई भी रेलिवेंट और इररेलिवेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और कोर्ट किस पर्पस के लिए, किसी रेलिवेंसी ऑफ प्रूफ को जानने के लिए, किसी ट्रू अकाउंट को जानने के लिए कोर्ट किसी भी स्टेट पे जाके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी पार्टी से, ये तो उसका पावर है। बट यही कहा जाता है कि कोर्ट को ना बहुत हाइपर टेक्निकल होके नहीं चलना चाहिए, रादर एक सिंपल और एक जस्टिस ओरिएंटेड व्यू से चलना चाहिए, ना कि वो किसी बहुत हाइपर टेक्निकल होके, बहुत टेक्निकल होके चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ किसी भी स्टेज की बात हो रही, किसी भी लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ दो इसके एक्सेप्शंस हैं, जहाँ कहा जाता है कि पहला जो है कि कोई भी एविडेंस तो पूछ लिया, इररेलेवेंट रेलेवेंट पूछ लिया, लेकिन जो भी जजमेंट आएगा ना, जजमेंट किस पे बेस्ड होना चाहिए, एक रेलेवेंट फैक्ट ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए, पहला एक्सेप्शन। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि जो भी कम्युनिकेशंस, जो कि स्पेशल कम्युनिकेशन, मान लो प्रिविलेज कम्युनिकेशन दिया गया है, तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आपकी टेस्टिमनी को क्या किया, प्रोटेक्ट करके रखा है किसने, इस एक्ट ने। और जब प्रोटेक्ट करके रखा है तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट को भी नहीं अलाउ है कि उनके एविडेंसेस को कॉल कर सके, ठीक है। तो ये तो बात करता है सेक्शन 165, ठीक। फिर आते हैं 166, जहां जूरी सिस्टम की बात कर रहा है। पहले यहां कहना चाह रहा है कि कोई भी जूरी सिस्टम है तो जूरी में कोई भी प्रश्न पूछ सकता था, लेकिन ये सिस्टम खत्म हो गया। लास्ट केस इस पे जो था केएम नानावती का केस था, जिसके बाद इसको खत्म कर दिया गया, 1961 का केस है सर, केएम नानावती, ठीक है, वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आईपीसी का, ठीक। ये आपकी अब इस प्रोविजन की कोई रेलेवेंस अब नहीं है, ठीक। फिर आते हैं कोई भी 167, जहाँ की कोई भी इम्प्रॉपर तरीके से अगर कोई प्रोसीडिंग हुई है, मान लो इम्प्रॉपर तरीके से कोई एविडेंसेस दिए गए हैं या कोई और, ठीक है, जो कि प्रोसीडिंग इम्प्रॉपर है, लेकिन वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, किसी ट्रायल की मटीरियलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर एडमिशंस या कोई डॉक्यूमेंट्स के आधार पे न्यू ट्रायल अलाउ नहीं किया जाएगा, रादर उसमें एक स्कोप ढूंढा जाएगा, क्यों, क्योंकि कोर्ट ये जो है ये एक प्रोसीजर है, और प्रोसीजर में जो एक्सपीडियंसी होती है ना, त्वरितता, न्याय की त्वरितता, वो इम्प्लिसिट होती है, और जब न्याय की त्वरितता इम्प्लिसिट है तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, जस्टिस ओरिएंटेड व्यूज को अप्लाई करेगा, ना कि टेक्निकलिटीज को अप्लाई करेगा। क्यों ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक जनरल रूल है कि मियर टेक्निकलिटीज ऑफ द प्रोसीजर कैन नॉट टेक अवे द सब्सटेंटिव राइट्स। तो हम टेक्निकलिटीज में उलझे रहे और हमारा राइट अनहर्ड रह जाए, तो ऐसा लॉ सपोर्ट नहीं करता। तो यही क्रक्स था इस प्रोविजन का, एक बार आप बेयर एक्ट से कर लीजिएगा, ये आपका डन। इंडियन एविडेंस एक्ट हमने एक बार गो थ्रू हो लिए, ठीक है, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जो नहीं समझ में आया होगा उनको आप एक बार फिर से आप समझते रहिए। मैं एक बार आपको फिर से सब कुछ, सारी बातें बताना चाहता हूँ कि कहाँ से हमने क्या क्या स्टार्ट किया है। इसमें सारी चीज़ें डिक्टेट कराना तो पॉसिबल नहीं है, बस आप ध्यान से सुनते जाइए क्या क्या प्रोविजंस हमने डिस्कस किए, क्या क्या बातें हमने आपसे बताई हैं, वो सारी बातें मैं आपको हाफ एन आवर में, मैक्सिमम हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करी थी, इंडियन एविडेंस एक्ट को मैंने स्टार्ट ही यहाँ से करा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट इज ऑल अबाउट प्रूविंग और डिसप्रूविंग ऑफ फैक्ट। और जब इंडियन एविडेंस एक्ट प्रूविंग और डिसप्रूविंग ऑफ फैक्ट की बात करता है, तो इसके नेचर की हम बात करते हैं, तो ये नेचर में क्या है, एडजेक्टिव लॉ है। एडजेक्टिव लॉ का मतलब होता है कि प्रूफ भी इंक्लूडेड है, प्रोसीजर एंड प्रूफ भी इंक्लूडेड है। तो पहले तो ये प्रोसीजरल लॉ है, फिर ये क्या है, अपने आप में एक क्या है, एडजेक्टिव लॉ है, ठीक है। लेकिन इसका एक पार्ट है जो कि स्टॉपल डील करता है, स्टॉपल क्या है, अपने आप में एक सब्सटेंटिव लॉ राइट की बात करता है,
ठीक है, 115 में मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। ये तो हो गई प्रोसीजर की बात। फिर आता है क्वेश्चन कि ये इंडियन एविडेंसेस हैं क्या, मतलब ये एक तरह से प्रोसीजर है। तो मेनका गांधी के केस में भी इस चीज़ को माना गया था कि जो प्रोसीजर्स होते हैं वो प्रोसीजर्स कैसे होने चाहिए, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होने चाहिए। और जब किसी के राइट जो वायलेट, मतलब प्रोसीजर फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल है, इसका मतलब है कि इंडियन एविडेंस एक्ट भी अपने आप में प्रिज्यूम कर लिया जाना चाहिए कि ये भी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होगा, ठीक है। तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स पे ये बेस्ड होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म की वैलिडिटी को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद कि जब ये प्रोसीजरल लॉ है तो प्रोसीजरल के साथ साथ कुछ इसके पीछे ऑब्जेक्ट भी रहे होंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है कि कोई भी प्रोविजन है, कोई भी आपके सब्सटेंटिव लॉ राइट दिए हुए हैं उनका वायलेशन होता है तो एक मैक्सिम आती है, ओबिजस इवी रेमेडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। उस रेमेडी के फॉर्म में इसको एक प्रोसीजर बनाया गया और प्रोसीजर में एक प्रूफ करने का एक स्टेटस बनाया गया, इसलिए इसको बनाया गया। और इस प्रोविजन से हम क्या करते हैं, अपने राइट को रेस्टोर कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्टोरेशन ऑफ आवर राइट विच हैज बीन वायलेटेड, विच हैज बीन टेकन अवे बाय सम अदर पर्सन, ठीक है। दिस gives the basic cause of action to file the locus standi, मतलब right to file the suit। Right to file the suit अगर आपका आ गया तो मतलब आपकी आपके लिए एक competence होनी चाहिए कि आप Indian Evidence Act में benefit ले सको, ठीक है। अब Indian Evidence Act की बात करते हैं तो हम proof के nature की बात करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि पहली चीज़ जो पहला प्रश्न जो उठता है कि मान लो Indian Evidence Act जो है ये दोनों में अप्लाई होता है, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर में, और सिविल में अप्लाई होगा तो preponderance ऑफ ऑल द probabilities प्रूव करना पड़ता है, और क्रिमिनल में अप्लाई होगा तो ये बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाके प्रूव करना पड़ता है। इंडिया में दो तरीके की प्रोसीडिंग होती हैं, एडवर्सियल प्रोसीडिंग एंड इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग। एडवर्सियल प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग होती है जहाँ की पार्टीज को अपने अपने फॉल्ट को, अपने डिफॉल्ट को, अपने गिल्ट को खुद से ही कोर्ट के सामने अपनी इनोसेंस को प्रूव करना होता है। क्यों? क्योंकि लॉ प्रिज्यूम करके चलती है कि कोई भी आदमी अक्यूज नहीं है और कोई भी आदमी रॉन्ग नहीं है, ठीक। दूसरी है इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग, जो कि इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग का मिक्सअप इंडिया में बात करता है। इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग का मतलब कि कोर्ट जो है मेयर पैसिव एक्सपेक्टेटर ना बनके एक्टिव पार्टिसिपेटर की तरह रोल करता है, और वो कभी प्रोएक्टिवली एक्ट करते हुए कुछ क्वेश्चंस आस्क कर सकता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो इंडिया का अगर सिनेरियो पूछा जाए तो दोनों का ज्वाइंट बात करता है कि मिक्स प्रोसीडिंग की बात करता है, ठीक है। अब हम आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट पे। इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया था, 1872 में आया था, स्टीफन महोदय ने इसको ड्राफ्ट बनाया था। अब जब ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया इसका, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, इन्फोर्समेंट की बात आती है। तो ये 1 सितंबर 1872 से आया था, इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। अब हम आते हैं प्रियम्बल पे, ठीक है, प्रियम्बल पे आते हैं। प्रियम्बल क्या कहता है कि यहाँ प्रियम्बल बात करता है एक्सपीडियंसी टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है एग्जॉस्टिव, ये प्रोविजन अपने आप में एग्जॉस्टिव है। फिर बात करता है अमेंड की, बात करता है अमेंड का मतलब होता है डिलीशन, अल्टरेशन एंड एडिशन, इन तीनों की बात करता है। और फिर डिफाइन की बात करता है, कुछ प्रोविजन को डिफाइन करता है जिसका कि मतलब सिर्फ इसी एक्ट में दिया होगा। इतनी बातें करता है। फिर हम आते हैं आगे के प्रोविजन पे बढ़ते हैं, जहाँ की सेक्शन 2 की बात करता है। सेक्शन 2 जो है कि रिपील कर दिया गया है 1938 के बाद से, ये कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, रिपील कर दिया गया। फिर आते हैं सेक्शन 3 पे आते हैं, 3 जहाँ बात करता है कोर्ट्स की, कोर्ट क्या होते हैं कि ऑल द मजिस्ट्रेट की बात होती है, जहाँ कोई भी मजिस्ट्रेट है उनकी बात होती है, कोई भी जजेस होते हैं उनकी भी बात होती है, और ऐसे कोई इंडिविजुअल की बात होती है जिनको कि अलाउ कर दिया गया है, क्या कि एविडेंस लेने के लिए अथराइज कर दिया गया है, उनकी बात होती है। फिर हम आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए रॉ मटेरियल की हम बात करते हैं, जिसको फैक्ट कहा जाता है। फैक्ट जो होते हैं कि दो तरीके के हो सकते हैं, एक फिजिकल फैक्ट होता है, दूसरा मेंटल फैक्ट होता है, जिसको साइकोलॉजिकल फैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। जर्मी बेंथम साहब ने इनको फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल में डिफ्रेंशिएट किया था, मुनीर साहब ने इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिफ्रेंशिएट किया था। तो फिजिकल फैक्ट वो होते हैं जिनको कि हम परसीव बाई सेंसेस कर सकते हैं, अपने 5 सेंसेस के माध्यम से हम कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं कि जिनमें कि हम क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस होती है, एक मस्तिष्क में होता है, मेंटल फैक्ट्स की बात करते हैं इनको, ठीक है। तो जब यही फैक्ट्स को जब कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाता है, किस पर्पस के लिए, कि कोर्ट उसमें एविडेंसेस ले, तो कोर्ट जब उसमें एविडेंसेस लेता है तो ऐसी कंडीशन में उसको हम क्या कहते हैं कि अब ये एविडेंस हो गई, यही फैक्ट क्या होता है, एविडेंस बन जाता है। और एविडेंसेस जो ये जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट अपने आप में ही क्या होते हैं,
एक रॉ मटेरियल होते हैं जिनको कि हम जब स्पेसिफाई करते हैं तो उनको में दो डिफरेंशिएशन होते हैं। पहला डिफरेंशिएशन होता है फैक्ट इन इशू के फॉर्म में, दूसरा डिफरेंशिएशन होता है रेलेवेंट फैक्ट के फॉर्म में। फैक्ट इन इशू क्या कहता है कि फैक्ट इन इशू ये वो फैक्ट्स हैं जहाँ की किसी भी फैक्ट के, किसी भी राइट के, किसी भी कोई फैक्ट है या सेट ऑफ फैक्ट्स हो सकते हैं जो किसी राइट के नेचर के एक्सटेंड को डिटरमाइन करने के लिए एक फैक्ट जो है वो असर्ट कर रहा है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रहा है, तो इसको तो हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। और इशू ऑफ फैक्ट बोलते हैं क्योंकि अगर हम इसको हम सिविल प्रोसीजर कोड में बात करें तो क्वेश्चन आंसर के जब फॉर्म में होता है तो इसको हम ऑर्डर 14 की बात करते हैं, तो उसमें इस चीज़ को हम बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है कि कनेक्टिंग फैक्ट्स होते हैं। रेलेवेंट फैक्ट्स आर दोज फैक्ट व्हिच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब एक फैक्ट जो दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, रेलेवेंट फैक्ट। तो फैक्ट इन इशू जो होता है जिनको कि हमें डिटरमाइन करना होता है, आखिरी तक हम उसी चीज को प्रूव करते हैं। सपोज किसी मैटर में फैक्ट इन इशू एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सर्कमस्टांसेस की एक चेन बनाते हैं, उनके माध्यम से प्रूव करते हैं, जिनको हम कहते हैं कनेक्टिंग फैक्ट। तो वो रेलिवेंट फैक्ट्स माने जाते हैं। और पहला फैक्ट इन इशू, जब घटने की जिस घटना की बात हो रही है वो घटना अगर एकदम से एक ही पॉइंट पे बात हो रही है तो ऐसी कंडीशन में उसको हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। लेकिन जब सीरीज ऑफ चेन ऑफ एविडेंस, चेन ऑफ इंसिडेंट्स की बात हो रही है तो उनको हम क्या कहते हैं, रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, तो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट आपका हो गया। फिर ये जो प्रोसीडिंग है ये कोर्ट प्रोसीडिंग में हो सकता है और कहीं में नहीं हो सकता। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कि 2I में डिफाइन की गई है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, इस जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही इसका यूज़ किया जा सकता है। मान लो आर्बिट्रेटर के सामने है तो आर्बिट्रेटर के सामने इसका नहीं यूज़ किया जा सकता। कंज्यूमर फोरम है, कंज्यूमर फोरम के सामने भी इनका यूज़ नहीं किया जा सकता। फिर आते हैं हम इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, कोई भी इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ कहीं किसी भी चीज़ में रिटन फॉर्म में जिसको कि प्रोड्यूस किया जाना हो, उसको मतलब एक रिकॉर्ड बनाने के पर्पज से अगर किया जा रहा है तो उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, फिर हम डेफिनेशन क्लॉज में ही आते हैं जहाँ की कहता है एविडेंसेज को। एविडेंसेज दो तरीके से हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज और ओरल एविडेंसेज। फिर इंडिया को भी यही डिफाइन करता है। अब इंडिया से डिफाइन करने से पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के क्रक्स की बात करता है। तीन चीज़ें इंडियन एविडेंस एक्ट में फॉल करती हैं। पहली चीज़ जो फॉल करती है वो प्रूफ, दूसरी चीज़ डिसप्रूफ और तीसरी चीज़ नॉट प्रूफ की बात करती है। इंडियन एविडेंस एक्ट नॉट प्रूफ का कोई सिनेरियो, कोई अपना परसेप्शन नहीं रखता, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि अगर इंडियन एविडेंस एक्ट में नॉट प्रूफ को रख दिया गया तो इसका मतलब है कि इंडियन एविडेंस एक्ट अपनी इनकॉम्पिटेंट है हर मैटर को डील करने में। ठीक है, तो इसलिए नॉट प्रूफ को कोई पोजीशन नहीं होती। प्रूफ का मतलब होता है कि जब किसी एविडेंस को, जब किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस को क्या कर दिया जाता है, असर्ट कर दिया जाता है कई एविडेंसेस के माध्यम से, उनको हम कहते हैं प्रूफ। दूसरे को कहते हैं कि डिसप्रूफ। डिसप्रूफ क्या होता है कि जब कभी भी किसी के एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस को उसके एग्जिस्टेंस को नहीं सपोर्ट नहीं मिलता तो उसको हम क्या कहते हैं कि डिसप्रूफ। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। फिर हम आते हैं कि प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या कहता है, सेक्शन 4 क्या कहता है, प्रिजम्पशन की बात करता है। प्रिजम्पशन कौन से हो सकते हैं, तीन तरह के प्रिजम्पशन है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिजम्पशन का कहता है कि प्रोवाइडेड बाय दिस कोड है, जो कह रहा है कि एक फैक्ट को कोर्ट के ऊपर और डिस्क्रिशन है कि वो प्रिज्यूम कर ले। कब प्रिज्यूम कर सकता है, जब उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को हम देख रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि कोई भी फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहते हैं और उसको कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, डिस्क्रिशनरी है। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है और इसके साथ ही साथ इसको हम क्या कह सकते हैं, रिबटेबल प्रिजम्पशन है, इसको प्रिजम्पशियो होमनेस बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं शैल प्रिज्यूम, जहाँ की मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कोर्ट के ऊपर कि वो किसी मैटर्स में प्रिज्यूम कर ही लेगा, प्रिजम्पशन बना ही लेगा। और जब वो प्रिजम्पशन बना लेगा तो इसका मतलब है क्या कि वो ऐसे फैक्ट को वो जो कि गिवन है, पहले से दिया हुआ है, उन पे वो क्या कर सकता है, कंसिडरेशन बना सकता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, और इसको और क्या बोलते हैं, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रिजम्पशियो जूरिस बोलते हैं। ठीक, तीसरा है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ किस चीज़ की बात करता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करता है, इररिबिटेबल प्रिजम्पशन की बात करता है। और जब ये कहता है कि एक फैक्ट का प्रूफ होना दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करता है, जो कि निकल के तीसरा फैक्ट सामने आता है, वो क्या होगा, अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रिजम्पशन। अब आते हैं रूल पे।
दो तरीके की, इंडियन एविडेंस एक्ट दो तीन तरीके की बात करता है। पहली चीज बात करता है कि रेलिवेंसी और रेलिवेंसी की बात करता है, दूसरी बात करता है एडमिसिबिलिटी की, और तीसरी बात करता है रिलायबिलिटी की। तो एडमिस जो रेलिवेंसी है वो दो तरीके की हो सकती है, एक लॉजिकल रेलिवेंसी, दूसरी लीगल रेलिवेंसी। इंडिया में जो बात करता है वो लीगल रेलिवेंसी की बात करता है। लीगल रेलिवेंसी जो बात करती है वो कहाँ से फॉल करती है, 5 to 55 ऑफ इंडियन एविडेंस बात करता है। दो सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस दो तरीके की बात करता है। वो कहता है कि दो फैक्ट्स, दो एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, एक फैक्ट इन इशू का, दूसरा रेलिवेंट फैक्ट का, इसके अलावा कोई भी एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते। ठीक है, तो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट मैंने डिस्कस किया, उनके एविडेंसेस दिए जा सकते हैं और नहीं दिए जा सकते। ठीक है, लेकिन एडमिसिबिलिटी क्या होती है, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट और एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस। 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है किसकी बात करता है, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट की बात करता है, जहां की कोर्ट किसी भी मैटर को एडमिसिबल बना सकता है, किसी भी फैक्ट को वो एडमिसिबल बनाने के पर्पज से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और उनको बना सकता है। 136 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस की बात करता है, जहां की उस किसी भी फैक्ट को एडमिसिबल बना सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं थोड़ा सा, अब हम आते हैं रेलिवेंसी पार्ट पे। सेक्शन, अब हम आते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 क्या बात करता है कि सेम ट्रांजेक्शन की बात करता है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे भी बोलते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग में अप्लाई होता है। इसके साथ ही साथ उसमें क्या करता है, इसका एक जो टेस्ट लेट डाउन किया गया है वो क्या है, इसका टेस्ट है क्या, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ पर्पस। इन चारों चीजों को एग्जामिन करते हुए हम क्या करते हैं, रेस जस्टे को हम डिफाइन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम आते हैं इसी में, रेस जस्टे में कई केसेस आए, जैसे शरद वृद्धि चंद शारदा का केस आया था, जिसमें कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की रैशनैलिटी के बारे में डिस्कस किया गया था। सांवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आया था, ठीक है, इसमें एफआईआर को मान लिया गया था कि सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। ठीक है, आरएम मलकानी आया था, जहां की टेप रिकॉर्डिंग को मान लिया गया था। इसके बाद आर वर्सेस वेडिंग फील्ड आया था, जहां की एक ट्रांजेक्शन को देखा जा रहा था कि उसने उसका गला काट लिया था, अपने एक फैमिली मेंबर्स का गला काट के वो निकलता है, वो कहता है कि हमने तो गला काट लिया, तो वो भी ट्रांजेक्शन का पार्ट हो। तो टाइम गैप को इसमें एग्जामिन किया गया था। आर वर्सेस फोस्टर है, ठीक है, ये भी इसी सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे जो है इसी सेम ट्रांजेक्शन का, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे जो है ना, इस क्या कहते हैं, एक्सेप्शन है किस चीज का, सेक्शन 32 का, ठीक है, मतलब इसका एक्सेप्शन माना जाता है किसका, हेयर से एविडेंसेस का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 किस चीज की बात करता है, सेक्शन 7 बात करता है कुछ ऐसे फैक्ट्स की जहां ओकेजन कॉज एंड ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है। ठीक है, जिनको कि प्रूव करने की बात कर रहा है। ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट हमने आपसे डिस्कस कर लिया। फिर आते हैं हम सेक्शन 8, जहां की मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट की बात कर रहा है, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात कर रहा है। यहां शोज मोटिव है कोई फैक्ट जो कि मोटिव को शो कर रहा है, या क्रिएट्स मोटिव, कोई फैक्ट ऐसा जो कि मोटिव को क्रिएट कर रहा है। इफेक्ट तो आपने डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद आते हैं सब्सिक्वेंट एंड ओरल कंडक्ट की बात करता है। ऐसे कंडक्ट्स, इन यहाँ ऐसे कंडक्ट की बात कर रहा है, कोई भी स्टेटमेंट जो होना चाहिए अकम्पनीड विद कंडक्ट होगा, तब तो वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात ये थी। हम आते हैं सेक्शन 9 में। ठीक है, सेक्शन 9 किस चीज़ की बात कर रहा है, किसी बात को एक्सप्लेन करने की या इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। पहली बात, दूसरी बात किस कर रहा है, रिबट करने की बात कर रहा है, सपोर्ट करने की बात कर रहा है। तीसरी बात, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात कर रहा है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में मैंने कहा कि ये किसी के सामने किया जा सकता है, पुलिस के सामने, इंडिविजुअल के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने भी किया जा सकता है, लेकिन पुलिस के सामने जो किया गया उसकी कॉरोबरेट, उसकी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि वो बार कर दिया जाता है 162 से ऑफ CRPC से, इसकी 162 CRPC से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जो कोराबरेटिव पीस, इसको जो एक इसकी जो रेलिवेंस है वो है कोराबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम आते हैं कि टाइम एंड प्लेस के रिलेशन की बात करता है, प्लेस के रिलेशन की बात करता है, और एक सॉरी टाइम एंड प्लेस की बात करता है और रिलेशन की बात करता है, पाँच चीज़ों की बात करता है सेक्शन 9। फिर आते हैं सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, रूल ऑफ एजेंसी की बात करता है, और इसके साथ इसमें आर वर्सेस ब्लैक का केस है और मिर्जा अकबर का केस है, ये सारे इंपॉर्टेंट केस हैं। फिर आते हैं सेक्शन 11 पे, वहाँ एलिबाई की बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई की बात करता है। ऐसी जगहों पे किसी भी एक्ट की इम्पॉसिबिलिटी या पॉसिबिलिटी को हमने डिस्कस किया था। इसमें मुंशी प्रसाद का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया था। फिर आते हैं इसको एक वो भी मानते हैं, एक रिजिडरी प्रोविजन मानते हैं कि जो चीज़ें 5 to 55 नहीं फॉल करेंगी उनको हम 11 में हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि वो रेलिवेंट है। ठीक है,
फिर हम आते हैं, इसके बाद आते हैं सेक्शन 12 पे। 12 किस चीज़ की बात करता है? 12 कुछ जनरल जनरल कस्टम उसकी बात करता है कि जब प्लेंटिव के राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, प्लेंटिव के जब डैमेजेस को कैलकुलेट किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या कहता है, उसके कंसिडरेशन लिया जाता है, उसके कैरेक्टर का कंसिडरेशन लिया जा सकता है। तो आप कैरेक्टर का कंसिडरेशन हम 52 में भी पढ़ते हैं, 52 और 55 को साथ में पढ़ते हैं, 53 और 54 को साथ में पढ़ते हैं। तो सिविल केसेस में कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, इररेलीवेंट होता है। क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर जो होता है रेलिवेंट होता है, बैड कैरेक्टर की कोई रेलिवेंट नहीं होता, इररेलीवेंट होता है। कैरेक्टर का मतलब होता है डिस्पोजिशन और रिपुटेशन, ये दो होते हैं 55 में दिए हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं 13 में, जहाँ कस्टम की बात कर रहा है, कस्टम की रेलिवेंसी की बात कर रहा है, और साथ ही साथ किसी राइट की रेलिवेंसी की बात कर रहा है, जो कि जनरल राइट की बात कर रहा है, सिविल प्रोसीडिंग में ही होता है, तो इनकी रेलिवेंसी की बात कर रहा है, हमने आपसे डिस्कस किया। फिर हमने आपसे डिस्कस किया 14, सेक्शन 14 में स्टेट ऑफ माइंड स्टेट ऑफ बॉडी की बात कर रहा है, जहाँ की इंटेंशन और मेंस्रिया को डिफाइन करने की बात कर रहा है। इंटेंशन नॉलेज इलविल गुडविल, ठीक है, रैश नेग्लिजेंस, इन सारे एक्ट्स की बात कर रहा है। इसमें जो दूसरा क्लॉज है वो प्रीवियस कन्विक्शन के भी उसकी बात कर रहा है, रेलिवेंसी की बात कर रहा है, उसी के साथ साथ सिमिलर अकरेंसेस को भी इसी में बात करता है। फिर आते हैं 15 क्या बात करता है कि आपके इंटेंशनल और एक्सीडेंटल दोनों में डिफरेंस करता है, हमने आपसे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया। फिर आते हैं 16 में, जहां की एक रेगुलर कोर्स ऑफ मैनर की बात करता है, एक ऑफिशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करता है, अगर उसमें कोई भी बात हुई है तो उसको मान लिया जाएगा कि सच में घटित हुई है। फिर आते हैं 17 जहां की एडमिशंस की बात करता है, एडमिशन किस तरह के हो सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट ओरल, कोई भी स्टेटमेंट है जो कि इन्फरेंस दे रहा है किस चीज़ का, फैक्ट इन इशू का और रेलिवेंट फैक्ट का, कौन कर सकता है, जो कि 18 में लिस्ट दी हुई है, एनी पर्सन एजेंट वो सब कर सकते हैं। 19 में जब कभी किसी के इंडिविजुअल के, जब कोई भी इंडिविजुअल है उसके करेक्टर की बात हो रही है, उसके स्टेट एंड पोजिशन की बात हो रही है, तो अगर उस आदमी जो कि जिसके की बात हो रही है वही आके स्टेटमेंट देता है तो उसका एडमिशन माना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं 20 जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेफरी करते हैं और कहते हैं कि इसको रेफर कर दिया गया मैटर। 21 बात करता है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशंस की, जहां की सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट होते हैं, जो सेल्फ सर्विंग होते हैं, सेल्फ हार्मिंग होते हैं, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट का यूज नहीं किया जा सकता। यूज कहां किया जा सकता है, केवल 3 जगह पे, वो 32 में फॉल कर रहा हो, 14 में फॉल कर रहा हो, और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे में फॉल कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में उसको यूज किया जा सकता और नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब दूसरी है, हो गई सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट को एडमिसिबिलिटी है, उनको एडमिशन के तौर पे अलाउ किया जा सकता है। फिर आते हैं ओरल एविडेंसेस को साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। कब दिया जा सकता है, जबकि वो केवल कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट होंगे तब ऐसे नहीं दिया जा सकता, अगर वो डायरेक्ट हैं तो एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। ओरल एविडेंसेस हमने आपसे डिस्कस किया सेक्शन 59 में, जहां की डायरेक्ट एविडेंसेस का, ओरल एविडेंसेस का डायरेक्ट अकाउंट दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं तो उनको नहीं दिया जा सकता। तो अब इसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था 60, जहाँ की दो चीज़ों की बाइफर्केशन होता है, हियर से एविडेंसेस का एंड ओरल एविडेंसेस का। हियर से एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं जो कि किसी थर्ड पर्सन ने सुन के कोर्ट में दिया होता है, उनकी रिलायबिलिटी जीरो होती है, उनकी जीरो नहीं होती, मतलब उनकी रिलायबिलिटी कम होती है, और इसलिए उनके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ की वो फॉल करते हैं। वही एक्सेप्शंस मैंने आपसे बताया था, वो कौन है, सेक्शन 6, 7, 8 है, उसका एक्सेप्शन 17 है, 14 है, फिर आते हैं 32 है उसका एक्सेप्शन, फिर उसके बाद आते हैं 34 to 38 है, 45 है, और 74 आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो भी उसका एक्सेप्शन है, और कोई भी प्रोफेशनल ट्रिटीज़ हुई हैं वो भी उनके एक्सेप्शंस हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम उसके बाद हमने आपसे जो डिस्कस किया था ओरल एविडेंसेस कब दिए जा सकते हैं, जब वो डायरेक्ट होंगे, वो डायरेक्ट कब होंगे, जो कि लिस्ट सेक्शन 60 में दी हुई है, जिसने देखा है उसने बताया, जिसने सुना है उसने बताया, जिसने परसीव किया है उसने बताया, जिसने ओपिनियन ड्रॉ करी है उसने बताया, ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, तब तो हम ओरल एविडेंसेस को मानते हैं, क्या है वो, रिलायबल है, ठीक है, ओरल एविडेंसेस अलाउड किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस कहे जाते हैं, वो सेक्शन 91 में है। 91 एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूजन की बात करता है, जहाँ की कोई कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर डिस्पोजिशन की बात हो रही है, वहाँ ऐसी कंडीशंस में क्या हो रहा है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रिटन है और रजिस्टर्ड है किसी लॉ के द्वारा, या लॉ रिक्वायर करता है कि उस डॉक्यूमेंट का रजिस्टर किया जाना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी ओरल एविडेंसेस उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के लिए नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन इसका एक दो एक्सेप्शन है, पहला कि जब कभी
कभी भी किसी किसी ऑफिसर के पोजीशन की बात हो रही है तो वो अपने पोजीशन के लिए कोई एविडेंसेस नहीं दे सकता। दूसरी चीज़ कि जहाँ प्रोबेट कोर्ट की बात हो रही है वहाँ प्रोबेट कोर्ट में केवल प्रोबेट अथॉरिटीज़ ही दे सकते हैं, अदरवाइज अलाउड नहीं है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन 92 में दिया हुआ जिसे हम रूल ऑफ कंक्लूसिविटी बोलते हैं। वहाँ 6 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, वो 6 एक्सेप्शंस हैं कि जब कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट यूज़ किया हुआ है इनवैलिड है या फ्रॉडुलेंट बेस पे है तो उसके उसका अकाउंट पे और उसको डिनाई करने के अकाउंट पे हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। दूसरा कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट और साइलेंट है कॉन्ट्रैक्ट का कोई टर्म साइलेंट है और उस साइलेंट टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए ओरल एविडेंस दे सकते हैं। तीसरा कोई भी कंडीशन प्रिसिडेंट है तो उनको प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस दे सकते हैं। चौथा कोई डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एविडेंसेज है, कोई डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उनको प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस दे सकते हैं, या कोई लैंग्वेज होगी या कोई कस्टम होगा इनको प्रूव करने के लिए। ये 6 एक्सप्लेनेशन है जिनमें कि हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एविडेंसेज हैं जहाँ की ओरल एविडेंसेज अलाउ ही नहीं है, वो 93-98 की बात करता है, जहाँ ओरल एविडेंसेस की बात करता है कि ऐसी जहाँ दोनों एविडेंसेस की बात करता है नहीं अलाउड है, वो है पैटेंट एम्बिग्युटी एंड लैटेंट एम्बिग्युटी, जो कि पैटेंट 93 और 94 पैटेंट एम्बिग्युटी की बात करता है, लैटेंट एम्बिग्युटी की 95, 96 और 97 और 98 ऑनवर्ड बात करता है। ठीक है, हम अब हम वापस आते हैं जहाँ हम अब हम बात करते हैं आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कहाँ दिए हुए हैं कि आपका सेक्शन 61 में ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में दिया गया, या तो सेकेंडरी होंगे या तो प्राइमरी होंगे। सेक्शन 62 बात करता है प्राइमरी एविडेंसेस की। प्राइमरी एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं कि जहाँ क्या होते हैं जहाँ कि डॉक्यूमेंट खुद से प्रोड्यूस किया गया या उसकी कई कॉपियाँ हैं तो सारी ओरिजिनल कॉपीज़ को प्रोड्यूस किया गया, तो ये तो सेकेंड प्राइमरी एविडेंसेस होते हैं। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स कौन होते हैं कि जहाँ सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं तो उन सर्टिफाइड कॉपीज़ को अगर प्रूव करना हुआ तो वो सेकेंडरी हो जाती हैं, या कोई ट्रांसक्राइब कॉपी है कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल कॉपी है या सेम प्रोसेस से बनाया गया है तो वो भी सेकेंडरी कॉपी मानी जाती हैं। तो ऐसे कुछ वहाँ लिस्ट दी हुई है जिनको कि हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट मानते हैं। सेक्शन 64 कहता है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या कहता है कि सेक्शन 64 कहता है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि जबकि उनकी जगह प्राइमरी की जगह पर सेकेंडरी दिए जा सकते हैं, और लिस्ट कहाँ दी हुई है सेक्शन 65 में। सेक्शन 65 क्या कहता है कि जब कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट दूसरे के पोजीशन में हो या उसके एग्जिस्टेंस या उसके एडमिशन के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट की बात हो रही हो, तीसरा कि वो पब्लिक रिकॉर्ड हो, चौथा वो लॉस्ट हो गया हो, ठीक है, पांचवा वो उसका मूवेबल नहीं हो, उसको मूव करा के कोर्ट में ले आना पॉसिबल नहीं, तो ऐसी सारी कंडीशंस जो होती हैं इन कंडीशन में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज अलाउ नहीं किए जा सकते। तो ये तो बात हो गई आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज की। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज। 65A जो है जो कि 2000 में से जोड़ा गया था, इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज की बात करता है। किसकी बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इनकी एडमिसिबिलिटी 65B में बात करता है। यहाँ क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोई भी किसी भी कंप्यूटर में रखे हुए हैं वो क्या होंगे, अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होंगे। अब इनको प्रूव करने के लिए क्या होगा, उनकी स्पेसिफाई किया जाना चाहिए कि वो कैसे रखे हुए हैं, उनको सिक्योर वे में रखा हुआ है, ये सारी बातें उसमें प्रोविजन में कहता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो कहता है वो क्या कहता है कि सेक्शन 4 जो है, क्लॉज 4 जो है इसका, वो कहता है कि एक सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। कौन देगा? एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी इसका सर्टिफिकेट दे सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम वापस आते हैं फिर आते हैं 23 पे। 23 क्या कहता है? 23 बात करता है नॉन प्रेजुडाइज क्लास के। कोई भी डॉक्यूमेंट लेने से पहले ही अगर आपने उसमें कह दिया कि उनको एविडेंसेस में नहीं यूज़ करोगे तो उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आते हैं हम कन्फेशंस की। कन्फेशन कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। कन्फेशन को डिफाइन जो किया गया है वो है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939, जिसमें कि ये कहा गया था क्या कि कंडीशन को सब्सटेंशली उसके डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए और इन टर्म्स में प्रूव किया जाना चाहिए। ये बातें समझ में आ गई? तो जो कन्फेशन है ये अपने आप से क्रिमिनल का पार्ट है और क्रिमिनल में ही इसको माना जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो इसमें रेलिवेंट है कि क्या कि पलविंदर कौर बच्चे स्टेट ऑफ पंजाब में वही डेफिनेशन जो लॉर्ड एटकिन ने जो पकाला नारायण स्वामी में दी थी उनको एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया के लिए वही डेफिनेशन सफिशियंट है। ठीक है, फिर आते हैं इसके प्रोविजन वाइज चलते हैं। सेक्शन 24 बात करता है कि इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस अगर किसी अथॉरिटी को किसी चार्ज के रिगार्डिंग किया गया है तो ऐसा कोई भी कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा और इररिलेवेंट है। वहाँ इररिलेवेंसी की बात करता है। दूसरी बात कर रहा है कि 25 बात कर रहा है जब पुलिस को दिया गया कोई भी एडमिशन जो होगा कन्फेशन जो होगा वो इररिलेवेंट होगा। तो 26 बात कर रहा है कि कोई भी पुलिस कस्टडी में दिया गया एडमिशन जो होगा वो क्या होगा, इररिलेवेंट होगा। लेकिन
लेकिन अगर वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट दिया हुआ है तो वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं 27 जहाँ की बात करा डिस्कवरी स्टेटमेंट की, कितने स्टेटमेंट कितनी चीज़ें प्रूव की जा सकती हैं, किस चीज़ की बात करें कितनी चीज़ें प्रूव की जा सकती हैं, उतना ही जो कि डिस्कवरी से रिलेटेड है। डिस्कवरी क्या है, जो कि सोन बिफोर सॉरी डिस्कवरी क्या होती है कि जो कि कोई भी अक्यूज कस्टडी में रहते हुए कोई स्टेटमेंट देता है। ठीक है, कोई भी अक्यूज कोई कस्टडी में रहते हुए कोई एविडेंस देता है तो ऐसी कंडीशन उसको हम क्या कहते हैं, डिस्कवरी स्टेटमेंट कहते हैं, और केवल वही डिस्कवरी पार्ट ही प्रूव किया जा सकता है। इस पर कई केस आए थे, इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आया था, देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें और भी केस थे देवमन उपाध्याय। ठीक, इसके बाद इसमें जो केसेस थे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप एक बार रिवाइज कर लिया हमने आपको उसका अकाउंट दे रखा है। ठीक, फिर आते हैं 28 क्या कहता है, 28 बात करता है किसकी, कि जो भी 24 में इंड्यूसमेंट थ्रेट एंड प्रॉमिस किया गया था अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो वो एडमिसिबल मान लिया था, कोर्ट मान लेता है। फिर 29 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ कन्फेशन की, जहाँ की प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी में किया गया, ड्रंकननेस में किया गया है, कोई स्टेटमेंट बिना उसके कोई प्रीवियस उसको क्या कहते हैं नोटिस दिए हुए किया गया है। ठीक है, तो ऐसी इन कंडीशंस में क्या माना जाता है कि वो एविडेंसेस जो हैं रेलिवेंट हैं, लेकिन इनको 24, 25, 26 को भी वो फुलफिल करने के बाद, उनके बावजूद अगर कोई स्टेटमेंट कराए गए। फिर आता है सेक्शन 30 बात करता है आपके को अक्यूज की, को अक्यूज कौन होता है, वही कौन होता है को अक्यूज, जिनका कि ज्वाइंट ट्रायल होता है। मैंने आपको अकम्प्लिस के साथ बताया था, ज्वाइंट ट्रायल और अकम्प्लिस हमने साथ में बताया था कि जिनका ज्वाइंटली ट्रायल किया जाता है उनको को अक्यूज कहते हैं। इसमें कश्मीरा सिंह का इंपॉर्टेंट केस है, भुवानी साहू का इंपॉर्टेंट केस है। फिर उसके बाद आते हैं हम आपके 133 जहां के अकम्प्लिस है, अकम्प्लिस के क्रेडिबिलिटी की बात होती है, उनके टेस्टमनी की रिलायबिलिटी, उनके टेस्टमनी के एविडेंसेस की बात होती है, जहां कहता है कि वो डिस्क्रेडिट उसकी जो अकम्प्लिस के स्टेटमेंट के आधार पे अगर कोई भी कन्विक्शन किया जाता है तो वो भी वैलिड है, वो अनकॉरबोरेटेड हो तो फिर भी वैलिड है। लेकिन 114 का सब क्लॉज 1 का बी क्लॉज जो कहता है, वो कहता है कि उसमें कोर्ट के पास में प्रिजम्पशन है, वो प्रिज्यूम कर सकता है इस चीज़ को कि वो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या थी, वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। तो ऐसी कंडीशन में दो कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन दिखते हैं, लेकिन दग्दू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा गया कि दोनों डिफरेंट प्रोविजन है, दोनों में कोई टेक्निकलिटीज नहीं, वो मियर प्रिजम्पशन है, यहाँ सब्सटेंटिव उसके एविडेंसरी वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी 133 बात हो गई। अब आते हैं 31 जहाँ की एडमिशंस के एविडेंसरी वैल्यू की बात करता है। एडमिशंस की एविडेंसरी वैल्यू क्या कहती है कि वो क्या होंगे, स्टॉपल की तरह काम करेंगे, इतना आप जान लो। और क्या हो सकते हैं, कंट्राडिक्शन और कोराबोरेशन में यूज़ किए जा सकते हैं। फिर आते हैं 32 जहाँ की डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, कोई ऐसा आदमी जिसकी डेथ हो चुकी है, वो कोई डेथ हो चुकी है या कोई और ऐसा आदमी जिसको कि लाया नहीं जा सकता, प्रोड्यूस नहीं करा जा सकता, वो कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि रिटन या वर्बल हो सकता है, वर्बल के बारे में मैंने बताया था ओरल प्लस इंडिकेशन के थ्रू, वो क्या करता है कि कोई अपने रिगार्डिंग कोई भी इंजरी होती है या अपने उस ट्रांजेक्शन की बात करता है जिसमें उसको इंजरी हुई है, जिस वो इंजरी ऐसी है जिससे कि उसकी डेथ कॉज हुई है और एक कनेक्शन ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको माना जाएगा कि वो रेलेवेंट है। ठीक है, तो इसमें इसकी एविडेंसरी वैल्यू जो होती है सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन होती है, नेसेसिटी बेस्ड होता है, रूल ऑफ कंसाइंस इसको बोलते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं इसको, रूल ऑफ कंसाइंस बोलते हैं, ये सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोर्ट थोड़ी सी रिलायबिलिटी की उसके चेक करता रहता है। इसमें कुछ केसेस हैं, केसेस कौन से हैं, पकाला नारायण स्वामी खुद ही इसका केस है जिसमें ट्रांजेक्शन को डिफाइन किया गया था। दूसरा इसमें अब्दुल्ला का केस है, आरवचस अब्दुल्ला, जिसमें कि वो इंडिकेशन के थ्रू कहता है कि अक्यूज्ड है, तो इंडिकेशन भी यहाँ रिलायबल होती है। तीसरा कि एक कोर्ट किसी भी केस में हर केस में डाइंग डिक्लेरेशन को कॉरोबोरेटेड ही नहीं होना चाहिए, रादर बिना अनकॉरोबोरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन भी वो क्या होता है, वैलिड माना जाता है। ये तो हो गई आपकी 32 और 32 के दूसरे क्लॉज को हमने डिस्कस किया था 16 के साथ, 4 एंड 7 को हमने डिस्कस किया था 13 के साथ। ठीक है, जहां वो जनरल कस्टम एंड राइट की बात करते हैं। फिर आते हैं 33 में होता है कि कोई भी अगर स्टेटमेंट है जो कि प्रीवियस पहले भी सूट के प्रोसीडिंग में यूज़ किया गया है और अब उस आदमी को लाया नहीं जा सकता, तो उसका जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वही उस प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज पर यूज़ किया जा सकता है एज ए एविडेंस।
ठीक है। फिर आते हैं 34 टू 38, जहाँ एंट्रीज हैं, अनपब्लिश सॉरी पब्लिश डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स हैं, इन सब की रिलायबिलिटी की, लॉ बुक्स हैं, इन सब की रिलायबिलिटी की बात करता है 38 तक। 39 में स्टेटमेंट को एज अ होल ट्रीट किया जाना चाहिए। फिर आते हैं जजमेंट की वैलिडिटी पे, 40 बात करता है आपके रेस जुडिकेटा डॉक्ट्रिन की, जहाँ की कोई भी राइट इन पर्सोनम की बात करता है, दो लोगों के बीच के कोई जजमेंट की रेलिवेंसी की बात करता है, वो रेलिवेंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं। पर्पज क्या है इसका, इसके पीछे पर्पज है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोकना। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं 41 पे। 41 बात करता है राइट इन पर्सन, राइट इन रेम की बात करता है, ये सोसाइटी एट लार्ज पे। यहाँ चार बातें कही गई, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी, प्रोबेट और इंसॉल्वेंसी, इन चारों की बात करता है। ऐसे में, ऐसी कंडीशंस में जजमेंट जो होंगे वो प्रीवियस जजमेंट जो होंगे वो बाइंडिंग फोर्स रखे हैं, किसके ऊपर, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। फिर आता है 42 की बात करता है। 42 में सीधी सी एक सिंपल बात करता है कि जनरल कस्टम की बात करता है, जनरल राइट्स की बात करता है, मतलब जहाँ पब्लिक राइट इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी कंडीशन में वो मान लिया जाता है कि राइट एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर 43 एक जनरल रूल की बात करता है, जहाँ कहता है कि किसी भी मैटर में कोई भी मैटर होगा उसमें क्या हो गया, प्रीवियस जजमेंट, प्रीवियस मैटर जो होते हैं वो रेलिवेंट नहीं होते, एक्सेप्ट कि वो खुद से ही फैक्ट इन इशू ना हो, ठीक है, खुद से ही फैक्ट इन इशू ना हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उनको किया जा सकता है, मतलब वो इररेलीवेंट माने जा सकते हैं, मतलब क्या होता है कि उस कंडीशन में उनका वो बाइंडिंग फोर्स रख सकते हैं दूसरे जजमेंट पे, ठीक है। हम आते हैं 44, जहाँ की फ्रॉडलेंट एंड कोल्यूजन की बात, वो सब पे अप्लाई होता है, इन चारों पे हमने आपसे डिस्कस किया है। फिर आते हैं हम एक्सपर्ट पे, एक्सपर्ट 45 में दिया हुआ है। 45 में एक्सपर्ट क्या कहता है कि कौन कौन हो सकता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कौन हो सकता है कि जो स्किल्ड, कोई भी स्किल्ड पर्सन है जो कि एक्सपर्ट हो सकता है, ठीक है, जो आर्ट में फिंगरप्रिंट के उसका वो हो, फॉरेन लॉ का जानकार हो, वो चारों पांचों चीज़ें जो कि फॉल कर रहे हैं, इनको आप देख लीजिएगा। फिर आते हैं 45A, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि ये 2008 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया, इसको आप 2000 वाले अमेंडमेंट से मत जोड़िएगा, डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग बात कर रहा है। फिर 46 आ जाइए, जहाँ की ट्रू अकाउंट देने की बात हो रही, कोई भी ओपिनियन जो एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है वो अपने आप में क्या है, कोई भी एक्सपर्ट की ओपिनियन अपने आप में क्या है, या तो इनकंसिस्टेंट होगी या कोरोबरेट होगी, अगर दोनों है तो वो क्या माना जाएगा कि वो रेलिवेंट है और उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आते हैं 51, जहाँ की ओपिनियन के पीछे का रीजनिंग भी पूछा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आते हैं 46 हो गया, 47 जहाँ किस चीज़ की बात कर रहा है, हैंड राइटिंग वगैरह की बात कर रहा है, जिसको कि हमने 67 के साथ पढ़ाया था जहाँ प्रूफ के तौर पे, और 73 के साथ बताया था जहाँ कि वहाँ कंपेयर करता है, कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन होता है उनको कंपेयर कर ले आपस में। इतनी बात समझिए। फिर आते हैं 48, जहाँ कस्टम के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, कब ओपिनियन रिगार्डिंग द कस्टम रेलिवेंट होती है। जब 49 की बात करते हैं, जहाँ की टीनेट्स वगैरह प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं, रेलिवेंट माने जाते हैं किसके लिए, किसी भी प्रोविजन में, ठीक है। फिर जब रिलेशन की बात होती है तो फिर हमने उसमें आपसे प्रोविजन डिस्कस किया था। 50 जहाँ की कोई भी एक फैक्ट है, कोई थर्ड आदमी की ओपिनियन जो कि किसी रिलेशन को इस्टेब्लिश करने वाली होती है, वो भी एडमिसिबल होती है। फिर आते हैं हम 57, जो कि अभी हमने आपसे 52 टू 55 कर ही लिया। 56 एंड 57 आते हैं, जहाँ जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स होते हैं जो कि हमेशा क्या होते हैं, कोर्ट उसको प्रिज्यूम करके चलती है। फिर आते हैं 58 जहाँ बात करता है कि कोई भी ऐसे फैक्ट हैं जो कि कोर्ट के सामने उनको प्रोड्यूस कर दिया गया, उनको डिसप्रूव, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट के सामने जिनको एडमिटेड है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद 65B तक हमने डिस्कस कर लिया। फिर 67 एंड 68 आ जाइए। 68 एंड 69 इसमें कि एक एविडेंस, एक विटनेस को एग्जामिन करना कंपलसरी होता है। फिर आते हैं हम 74 में और 75, जहां की प्राइवेट एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, तो वहीं पोस्टमार्टम वगैरह की हमने आपसे लिस्ट बताई थी कि कौन कौन से लिस्ट हैं, उनको आप देख लीजिएगा। ये भी हियर से एविडेंसेस का एक क्या है, एक्सेप्शन है। प्राइवेट एविडेंसेस किस में, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स किस में कहे हैं, 75 में कहे जाते हैं, ठीक है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट है उनका जेन्युइननेस के लिए क्या किया जा सकता है, एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, 76 बात करता है। अब प्रिजम्पशन की बात कर ले, 79 जहाँ की एक प्रिजम्पशन की बात कर रहा है, किसके प्रिजम्पशन की, इन फैक्ट्स के प्रिजम्पशन की बात कर रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस की, कोई भी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड रखा हुआ है सेक्शन 80 में, वो उसको भी शैल प्रिज्यूम मान लिया जाता है, ठीक है। जहाँ 86 आते हैं, जहाँ की ये बात करता है कि जजमेंट की कॉपीज एंड जजमेंट के रिकॉर्ड जो होते हैं वो भी रेलिवेंट माने जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन 90, जो इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप गो थ्रू ले। 85 मैंने बता दिया अटॉर्नी के रिगार्डिंग, हमने आपसे डिस्कस किया अटॉर्नी के रिगार्डिंग, एग्रीमेंट होगा, फिर साइन होगा, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसे करके अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। 87A एक बार आप देख लीजिएगा, 87 देख लीजिएगा, 88A,
ठीक है, फिर 90 आ जाइए, 90 डॉक्यूमेंट की बात करता है, उसमें 30 इयर्स हैं मे प्रिज्यूम है, ठीक है, वो वैलिड माने जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक 90A है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात कर, जहाँ 5 ईयर की बात हो रही है, इतनी बातें समझ में आई। 91 to 98 हमने डिस्कस कर लिया। फिर आते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ पे, 101 to 111 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की, जो हमने आपसे प्रॉपरली आपसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। 12 हमने आपसे डिस्कस कर लिया, 112 क्या होता है, 112 क्या बात करता है कि 112 लेजिटिमेट पैटर्निटी की बात करता है, वो बात हमने आपसे डिस्कस कर लिया। फिर 113A और 113B हमने आपसे डिस्कस कर लिया, अबेटमेंट के रिगार्डिंग और डाउरी डेथ के रिगार्डिंग, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया। और फिर हमने आपसे डिस्कस किया है 114 और 114A, ठीक है, मे प्रिजम्पशन। फिर स्टॉपल हमने आपसे डिस्कस किया 15 to 17, जो कि सारी बातें हमने आपसे फैक्ट उसके बारे में बता दिए, सारे क्या क्या फैक्ट्स होते हैं स्टॉपल के बारे में, सब कुछ सारी बातें हमने आपसे डिस्कस कर दी लास्ट क्लास में। फिर आते हैं हु में टेस्टिफाई, कौन टेस्टिफाई कर सकता है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है टेस्टिफाई, जिसके पास सफिशियंट मेच्योरिटी होती है, ठीक है। फिर आते हैं 119, जहाँ की एनी पर्सन हु इज अनेबल टू एक्सप्लेन वर्बली, तो ऐसी कंडीशन में इसको डम विटनेस बोला जाता था, उनके रिटन फॉर्म को भी हम ओरल मानते हैं। फिर आता है 120, जहाँ कि ये मान लिया जाता है कि किस चीज़ का माना जाता है कि ये जो प्रिजम्पशन है ये प्रिजम्पशन कैसा है कि एक हस्बैंड है वाइफ के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल मैटर्स में, दोनों में वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो। फिर 121 वो जजेस की बात हो गई, ठीक है, जजेस को प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन वो कब अकाउंट दे सकते हैं, जब सुपीरियर का ऑर्डर होता है। फिर 122 जब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो उस कम्युनिकेशन का अकाउंट देने के लिए ना तो फोर्स किया जा सकता है, ना उसको एडमिट माना जा सकता है, वो खुद से अगर अपियर हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 133, जहाँ अनऑफिशियल अनपब्लिश रिकॉर्ड की बात होती है, जिसे हम सॉलिस पॉपलिस सुप्रीमा लेक्स मैगजीम से जोड़ते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। और फिर आते हैं 124, जहाँ की कोई ऐसे रिकॉर्ड की बात हो, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस की बात हो रही है, उनमें भी आप अकाउंट नहीं दे सकते हो। फिर आते हैं 125, जहाँ की आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली है, उसका ट्रू अकाउंट नहीं दे सकता है। फिर आते हैं 126 to 131, इसकी बात करता है कहाँ भी, जहाँ भी वकील एडवोकेट जो भी हैं वो किसी भी अपने क्लाइंट के बीच में कोई प्रोफेशनल टक कम्युनिकेशन हुआ है तो उनके बारे में अकाउंट नहीं दे सकते हैं। इतनी बात हो गई। अब जब इतनी बातें सामने आ गई तो एक चीज़ इसमें और कि कोई भी अगर वकील के साथ रहने वाला कोई भी एम्प्लॉय भी है तो वो भी कोई कम्युनिकेशन नहीं दे सकता। फिर मैंने आपसे 132 बात करी थी, 132 में मैंने आपसे कहा था कि कभी भी कोर्ट जो है किसी इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स को भी एविडेंस को कंपेल कर सकता है कि आप इस चीज़ का ट्रू अकाउंट दो, लेकिन ये जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 से हिट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कहा गया था कि वो केवल अक्यूज्ड के अप्लाई होता और किसी पे अप्लाई नहीं होता, यहाँ विटनेसेस की बात हो रही है। फिर आते हैं 133, जो कि हमने आपसे डिस्कस कर लिया। 134 आते हैं, जहाँ की हम बात करते हैं कितने विटनेसेस दिए जा सकते हैं, तो कितने भी विटनेस दिए जा सकते हैं या केवल एक विटनेस भी बहुत मटेरियल करता है, यहाँ मेरिट को डिसाइड किया जाता है और नंबर्स को नहीं। फिर आते हैं 35, जहाँ की प्रोडक्शन की बात करता है कि आओ भाई एग्जामिन करो और प्रोडक्शन प्रोड्यूस करो। 136 हमने आपसे डिस्कस कर लिया। 137 में ऑर्डर, आज ही हमने डिस्कस किया कौन से ऑर्डर्स हैं, किस सीक्वेंस में किया जा रहा है, एग्जामिनेशन के ऑर्डर की बात कर रहा है। 138 जो है, सॉरी एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। 137 जहाँ की एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन, इनकी बात कर रहा है। नए फैक्ट होंगे तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बात कर रहा है, ठीक है। 138 आ जाओ, जिसकी ऑर्डर की इन सीक्वेंस की बात करता है। 139 आ जाओ कि जब डॉक्यूमेंट के लिए आपको बात करी गई है, जब डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको बुलाया गया तो आपको एज अ विटनेस एग्जामिन नहीं किया जाएगा। 140 आ जाओ कि जहाँ की आपको कैरेक्टर का, किसी थर्ड पर्सन के या विटनेस के कैरेक्टर का साक्ष्य दिया जा सकता है। फिर 141 to 143 बात करता है लीडिंग क्वेश्चंस की। लीडिंग क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन होते हैं? जो सजेस्टिव आंसर्स होते हैं उनको क्रॉस एग्जामिनेशन 143 में आप पूछा जा सकता है, लेकिन अगर कोई पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं करती तो उनको क्रॉस एग्जामिनेशन, उनको री एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन चीफ में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट करती है तो कोर्ट की परमिशन से पूछा जा सकता है। फिर आते हैं 145 में कंट्राडिक्शन की बात करता है। अच्छा हाँ, 144 अगर बात होती है तो वो सीधा रिलेटेड है 91 और 92 से, ठीक है, सेम वही बातें हैं सब कुछ, यहाँ विटनेस के बारे में बोला जा रहा है। फिर 145 आ जाइए, 145 क्या कह रहा है कि कंट्राडिक्शन की बात कर रहा है, कंट्राडिक्शन के प्रीवियस स्टेटमेंट के जो कि रिटन फॉर्म में उनको कंट्राडिक्ट कर दिया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं 146 में किन स्टेटमेंट्स का दिया जा सकता है कि वेरासिटी को पूछने वाले वो उनकी वेरासिटी को विटनेस की वेरासिटी कि तुम कौन हो, कौन तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या है इस प्रोसीडिंग में, इन सब के बारे में एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। फिर आते हैं 147 जहाँ की क्रेडिबिलिटी को उसको डिफाइन करने के लिए, किसी को डिस्क्रेडिट करने के लिए भी एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, लेकिन वहीं क्वेश्चन आता है कि कौन से
एविडेंस नहीं दिए जा सकते। तो 148-149 कहता है कि कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं दिए जा सकते हैं जिनका कोई रीजनेबल कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई एविडेंसेस पूछता है, बार बार पूछता है, क्या कहते हैं, इन्फ्रिंजमेंट करता है ऐसे मैटर्स का, तो 150 में उनका एविडेंसेस दिया जा सकता है, उनके ट्रू अकाउंट देने के लिए क्या किया जाता है कि हाई कोर्ट में उनको कंप्लेन भी की जा सकती है। 151-152 में दो प्रोविजन है जहां स्कैंडलस क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, इनडिसेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते 151 में, और स्कैंडलस और कोई अनवाइंग या इंजर करने वाले कोई क्वेश्चन 152 में नहीं पूछे जा सकते। 153 बात करता है आपके एक्सक्लूजन्स की। एक्सक्लूजन्स क्या होते हैं कि जो आपने वेरासिटी का अपने क्रेडिबिलिटी का आपने जो एविडेंस दिया है उस एविडेंस को एक्सक्लूड कर, उस एविडेंस को डिसप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई एविडेंस नहीं दे सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हॉस्टाइल विटनेस, जो कि 54 बात करता है। 54 में अपने जिसने बुलाया उसके ही खिलाफ देने लगे तो उसको कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस। 155 आ जाइए जहां अनवर्दी ऑफ क्रेडिटनेस को उसके इम्पीच किया जा सकता है विटनेस की क्रेडिबिलिटी को, और उसमें क्या कहा था कि कई बातें कहते हैं, पहला कि अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, दूसरा कि वो करप्ट है या कोई ब्राइब लेता है, और तीसरा उसका कोई पहले का स्टेटमेंट जो अपने आप से सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में तो उसका एग्जामिन किया जा सकता है, लेकिन उसको अगर अपने पार्टी द्वारा ही किया जाना है तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट किया जाएगा। 157 आ जाइए, कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस की बात करता है, कोरोबरेशन मैंने आपको बता दिया। फिर आते हैं 159-160 जहां की रिफ्रेशिंग द मेमोरी की बात होती है, पहले डॉक्यूमेंट को देख के रिकॉर्ड के जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनको रिकॉर्ड करने की बात हो रही है, तो उनको रिफ्रेश किया जा सकता है उनको देख के किसी पार्टी के द्वारा। लेकिन एक बार रिफ्रेश कर दिया गया तो क्या होगा कि 161 में उसको ऑपोजिट पार्टी को कॉपी लेने का राइट हो जाता है। 162 और 163 किसकी बात करता है, आपके प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करता है। 164 जो कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको कि प्रोड्यूस करने के लिए नोटिस हो गई अब नहीं प्रोड्यूस करते तो उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए प्राइमरी एविडेंस नहीं दे सकते हो, एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। 165 हमने आपसे बात कर लिया क्या कि इंक्विजिटोरियल पावर ऑफ द कोर्ट है जिसमें कि वो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है कोर्ट किस चीज़ को, मैटर को सफिशियंट बनाने के लिए, मैटर की रैशनैलिटी को एग्जामिन करने के लिए। और 166 जो है वो आपका डिनाई कर दिया गया है, क्या किसके कौन से केस के बाद से, के एम नानावती के केस के बाद से उसको डिनाई कर दिया, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर आते हैं 167 जहां की कोई भी प्रोसीजरल टेक्निकलिटी जो होती है वो सब्सटेंटिव राइट को टेक अवे नहीं कर सकती है। तो ये रहा आपका कंप्लीट एविडेंस, ठीक है। और अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं तो आपको बस केवल एक काम करना है कि आप हमारे सारे वीडियोज़ को देखिए और सारे वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और इसके साथ साथ आप अपने बेरेट को खोलिए और एक छोटी सी नोट्स बनाइए, एक समरी नोट्स बनाइए, और वो बहुत आपको हेल्पफुल होंगी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ओके।